हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर सीनियर फैकल्टी ऑफ अभिमन्यू आई एस ए वेरी वॉम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन और आज हम यहाँ पे पी पी एस सी के लिए यहाँ पे हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यू नो जो एज क्राइटेरिया है हम उसकी बात करने वाले हैं स्टूडेंट एज यू ऑलरेडी नो दैट कि नोटिफिकेशन जो है पंजाब पी सी एस की वो किसी भी टाइम आउट हो सकती है नोटिफिकेशन कैन बी आउट एनी टाइम फॉर पंजाब पी सी एस वाई आई एम सेंग दिस बिकॉज ऑलरेडी एग्जाम हुए हुए थ्री थ्री ईयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट ठीक है टू एंड हाफ ईयर सो देट्स वाई स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू ट्रेंड प्रीवियस ट्रेंड प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के हिसाब से नोटिफिकेशन जो है वो कभी भी आ सकती है पंजाब पी सी एस के लिए तो प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल एज क्राइटीरिया एज क्या एलिजिबिलिटी क्या है फॉर द पंजाब पी सी एस ठीक है लेट्स सी थ्री स्टूडेंट्स एज एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ फॉर द पी सी एस एग्जामिनेशन इट मीनस पंजाब पी सी एस फॉर जर्नल कैटेगरी जर्नल यू नो दो थ्री कैटेगरीज आर यू नो है यहाँ पे जर्नल ओ बी सी एस सी कैटेगरी राइट अच्छा एस टी पॉपुलेशन इंडिया पंजाब के अंदर है ही नहीं ठीक है तो उसकी तो हम बात बात ही क्या करते फर्स्ट ऑफ ऑल सी जनरल कैटेगरी जर्नल कैटेगरी के लिए जो आपको मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड ठीक है ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड से थर्टी सेवन ईयर ओल्ड तक आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो जब भी नोटिफिकेशन आ सकती है यू कैन फिल द फॉर्म राइट यू आर एलिजिबल फॉर द फॉर्म ठीक है ग्रेजुएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है यू नो दैट कि एजुकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो तो रेगुलर है डिस्टेंस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास जस्ट एक ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए चाहे फिर वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो इंडिया की कोई भी कॉलेज हो ठीक है मैटर ओके अगर मैं बात करूँ ओ बी सी या एसी कैटेगरी के लिए तो उसमें एज एलिजिबिलिटी जो है वो फाइव ईयर्स का यहाँ पे यूनि you रिलेक्सेशन know, दिया गया है इट मीन्स ट्वेंटी ईयर ओल्ड से लेकर फोर्टी टू ईयर ओल्ड तक के पर्सन जो हैं वो पीपीएससी एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं मीन्स वो वहाँ पे बैठ सकते एग्जाम के अंदर अगर मैं बात करूँ जर्नल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स की उसके अंदर स्टूडेंट जो हमारे सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लॉयज़ हैं जितने भी उनमें एज एलिजिबिलिटी का जो एज लिमिट है वो है फोर्टी फाइव ईयर्स इट मीन्स कि ट्वेंटी वन से लेकर फोर्टी फाइव ईयर्स तक वो दे सकते हैं ई पी एस सी कौन से सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट uh, के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं दे आर एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन टिल द एज ऑफ फोर्टी फाइव ईयर क्लियर है यहाँ दैट इज दिन की बात हो रही है यहाँ पे उनमें जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है स्टूडेंट दैट इज फोर्टी टू ईयर दैट इज फोर्टी टू ईयर राइट फोर्टी टू ईयर तक वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे एलिजिबल है फॉर द पीपीएससी एग्जामिनेशन ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के या फिर डिसेबल पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो उनमें जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है दैट इज़ फोर्टी इट मीन्स दे आर एलिजिबल फ्रॉम ट्वेंटी ईयर ओल्ड टू फोर्टी ईयर ओल्ड ठीक है बट इसमें एक कंडीशन है स्टूडेंट डिसेबिलिटी का हैंडीकेप्ट का जो आपको यू you नो know, आपका जो लिस्ट होती है ठीक है जिसमें मतलब सारे हैंडीकेप्ट की जो लिस्ट होती है ठीक है कि हाँ जी हैंडी जो है वो किस तरीके की हैंडी हैंडीकेप्ट है या किस तरीके की उसके अंदर डिसेबिलिटी है ठीक है वो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पंजाब लिस्ट ना कि सेंटर लिस्ट सेंटर जो है वो हैंडी के लिए एक अलग क्राइटेरिया रखती है आपको पता होगा मतलब कि जो हैंडी कैप पर्सन है ठीक है उसकी एक लिस्ट बनी हुई है कि आपका हैंड जो है वो इतना होना चाहिए ठीक है या फिर आपकी जो बॉडी डिसेबल है वो इतनी परसेंट होना चाहिए ठीक है इस तरीके से राइट right? उसमें जो है वो सेंटर की लिस्ट नहीं चलती उसमें जो पंजाब की लिस्ट अगर आप उसके अंडर आते हो उसके अंडर मतलब कि आपकी जो डिसेबिलिटी है या हैंडी कैप्शन है जो भी आपका हैंडी कैप हो आप उसमें आप एलिजिबल हो इन पंजाब लिस्ट के अंदर मतलब पंजाब के अंदर जो लिस्ट रेडी होती है कि हाँ जी इन इन बंदों को हैंडी कैप की लिस्ट में रखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए क्राइटेरिया होना चाहिए तभी आपकी एज लिमिट जो है वो फोर्टी सेवन ईयर्स तक आप एलिजिबल हो फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अगर मैं यहाँ पे लास्ट में बात करूँ पंजाब पुलिस कैंडिडेट्स की हैज नो एज रिलैक्सेशन पंजाब पुलिस के जो अकेडमी के पर्सन हैं उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है यहाँ पे देर इज नो एज रिलैक्सेशन फॉर द पंजाब पुलिस कैंडिडेट ओके क्लियर है यहाँ पे स्टूडेंट्स तो दिस इज इट ठीक है फॉर द एज क्राइटेरिया स्टूडेंट सी हेयर दिस इज़ पंजाब पी सी एस सेलेक्शन अवर प्राउड अचीवर्स ठीक है अभिमन्यू आई एस के ये प्राउड अचीवर्स है स्टूडेंट जिनकी रैंक टॉप रैंक आई है मतलब कि टॉप टेन रैंक में ये इन्वॉल्व हैं रैंक वन वन टू थ्री सिंस लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेल्व से लेकर और ट्वेंटी ट्वेंटी तक जितने भी हमारे रैंक होल्डर्स हैं रैंक वन होल्डर्स हैं वो सब के सब अभिमन्यू आई एस से ही बिलोंग करते हैं मतलब उन्होंने अभिमन्यु आई की गाइडेंस प्रोग्राम को उन्होंने ज्वाइन किया था ठीक है तो आप भी अभिमन्यु आई के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल कर सकते हो फॉर द पंजाब पी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा स्टूडेंट्स फ़ॉर द एनरोलिंग योर ठीक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके आप नंबर पे क्वेरी अपनी क्वेरी भी रिजॉल्व कर सकते हो प्लस आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फॉर द अभिमन्यू फॉर द बैच पीसीएस बैच के लिए इसमें स्टूडेंट्स आपको लाइव रिकॉर्डेड ऑनलाइन ऑफलाइन सारे टाइप्स के आपको यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल होंगे और जो हमारा न्यू बैच है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे स्टार्ट uh, होने जा रहा है फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर फ्रॉम फ़र्स्ट नवंबर 2023 से तो आप जाइए और फटाफट से इन कीजिए फॉर द पी फॉर द पंजाब सिविल सर्विसज ओके स्टूडेंट्स So that's it, students, thank you, thank you so much. and wish you very all the best for, the, for your examination. Have a nice day. Thank you.